लोकसभा चुनाव में कम मतदान से चिंता में पड़ी भाजपा बुजुर्ग वोटर्स को रिझाने में जुट गई है। इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के शास्त्री नगर पहुंचे, जहां पर उन्होंने 70 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को बीजेपी का संकल्प पत्र बताया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के शास्त्री नगर में बुजुर्ग मतदाताओं के निवास पहुंचकर आयुष्मान लाभ विस्तार अभियान के तहत फॉर्म भरवाया। इस अवसर पर सीएम मोहन ने कहा कि भाजपा ने हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमें 70 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिलाने का वादा किया गया है। सभी लोगों को योजना का लाभ मिल सके, इसके लिए आज फॉर्म भरने की शुरुआत की गई है। हम सभी को मिलकर यह अभियान चलाना है। लगभग 40 लाख बुजुर्गों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। इस दौरान उन्होंने अगले चरण में अधिक मतदान की अपील भी की है। हम सब मिलकर यह अभियान चला रहे हैं और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, लगभग पूरे प्रदेश भर में ध्यान में आ रहा है कि 70 प्लस की आयु सीमा के लगभग 35 से 40 लाख इस प्रकार के हमारे वरिष्ठ नागरिक है जिनको इसका लाभ मिलेगा। बड़े पैमाने पर इसकी डिमांड भी चल रही है। प्रदेश में भाजपा ने यह अभियान चलाया है। हमने आज यहाँ शुरुआत की है कि अपने अपने स्थान पर ये फॉर्म भर करके हम माननीय मोदी जी की गारंटी का हिस्सा बने और आने वाले समय में, चूंकि आयु के कारण से चिकित्सा एक तरह से संजीवनी का काम करता है, ऐसे में प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर जो भी योग्य हॉस्पिटल होगा 5 लाख का सीधा सीधा लाभ मिलेगा। और हम तो और भाग्यशाली हैं, हमारी सरकार ने इसमें एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी दी है। किसी कारण से कोई हॉस्पिटल में अगर कोई वरिष्ठ नागरिक भर्ती है या कोई आयुष्मान कार्डधारी भर्ती है और अगर उस हॉस्पिटल में उसका और उन्नत इलाज नहीं हो पा रहा है और उसको आगे किसी और अच्छे हॉस्पिटल में पहुंचाना है तो डॉक्टर और कलेक्टर दोनों संवाद करेंगे, तो दोनों के बाद हम निःशुल्क एयर एम्बुलेंस के माध्यम से उसको शिफ्ट करने का निर्णय हमने किया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।